प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हम कृपाग्नि इस प्रोग्राम के जरिए प्रभु की आराधना करने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए और अपने जीवन में भरपूर मात्रा में आशीष पाने के लिए उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करें। आप जहाँ भी रहे इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, जीवित खुदावन, हमारी प्रार्थना सुनने वाला, हमें उत्तर देने वाला, हमारे हर जरूरतों को जानने वाला है। हाँ प्रभु, आप शरीर धारण करते हुए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया और हमने प्रभु यीशु में आपकी महिमा देखी है। हाँ पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को आपने हमारे लिए समर्पित कर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना के इस घड़ी में आप हमारे साथ बातें कीजिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन में नई रोशनी दिखाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हो जाइए। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इन तमाम आपकी संतानों को आपके पवित्र हृदय में मैं समर्पण करता हूँ। आपका आशीर्वाद का हाथ उन पर बढ़ा लीजिए, हर एक व्यक्ति को छू लीजिए प्रभु, ताकि वह उनके जीवन के परेशानियों से छुटकारा पाए और रोग बीमारियों से चंगाई पाए और जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए उन सबको कृपा मिले। हर आदर सम्मान और महिमा आपको ही हम देखते हैं। प्रभु यीशु के पावन नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हमारा मनन चिंतन का विषय यह है कि महान विश्वास का धनी बने, महान विश्वास का धनी बने। इसका मतलब यह है प्यारे भाइयों बहनों, कई बार सुसमाचार में हम देखते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु ने कई लोगों का विश्वास को सराहा है। और यीशु ने अपने मुंह से कहा कि तुम्हारा विश्वास महान है। आज मुझे और आपको देखकर प्रभु यीशु को यह कहना चाहिए कि तुम्हारा विश्वास महान है। इस प्रकार का एक महान विश्वास को अपनाना हमारे लिए जरूरी है। अगर आपके जीवन में यह महान विश्वास हो तो जरूर यीशु के महान कार्यों को देखने की कृपा आपको मिलेगी। मत्ता से प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हाँ, कई सालों से, कई पीढ़ियों से विश्वास करने के बावजूद भी आप प्रभु की महिमा देख नहीं पाते हैं, प्रभु के चमत्कार देख नहीं पाते हैं, प्रभु का हाथ का स्पर्श का अनुभव कर नहीं पाते हैं। कारण यह है कि हमारा विश्वास महान नहीं। तो जो विश्वास आपके मन में अभी है, उस विश्वास को महान बनाने के लिए हमें कोशिश करना है, प्रयास करनी है। इसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। हम बाइबल में आते हैं, जहां जहां प्रभु यीशु ने महान विश्वास को पाया, उन घटनाओं पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। उसमें उस घड़ी में सबसे प्रथम हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम देखते हैं ये कनानी स्त्री यीशु के पास आती है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। कनानी स्त्री ने प्रार्थना की, मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है, और ईश्वर प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया, प्रार्थना को अनसुना किया। एक शब्दों में कहे
फिर बाद में शिष्य आकर यीशु को बोलने लगे, ये स्त्री ने यीशु को पीछा करना छोड़ा नहीं, वो बार बार ये प्रार्थना करती रही। तो शिष्य परेशान हो गए, उन्होंने कहा देखिए उसकी बात मानकर उसे विदा कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है, पीछे पीछे चिल्लाती है। शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यीशु के सामने अपना आग्रह प्रकट करते हैं, कहते हैं इस स्त्री को भेज दीजिए, कब से ये प्रार्थना कर रही है, वो चिल्ला चिल्ला के हमारे पीछे आ रही है, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कुछ तो कीजिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं केवल इसराइल के खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, मैं इसराइल के खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। तो उस समय उस स्त्री ने क्या कहा, उस स्त्री आकर ईसा को दंडवत के प्रभु मेरी सहायता कीजिए, फिर भी वो प्रार्थना समाप्त करने के लिए तैयार नहीं, वह फिर यीशु के पीछे आकर बोलने लगी प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उस समय उस स्त्री कहती हैं देखिए प्रभु फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। तो इतना कहने के बाद यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास महान है। तो देखिए इस स्त्री ने क्या किया, इस स्त्री बार बार यीशु के पीछा करते हुए यीशु से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मुझे भी यकीन है कि शिष्यों ने उस स्त्री को डांटा होगा, बस बस हो गया, चुप गया, अभी चले जाओ, प्रभु ने सुन ली है, प्रभु को करना नहीं करना है तभी किया कर लेता, उन्हें डांटा भी होगा। लेकिन ये स्त्री वहां रुकने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए एक बड़ा संदेश इसमें है प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कभी समाप्त नहीं करनी चाहिए, उत्तर मिले या ना मिले हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर परमेश्वर प्रभु कार्य करता है, उचित समय पर प्रभु कार्य करता है। तो इस स्त्री के समान हमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। और उस प्रभु यीशु ने उस स्त्री के बेटी को चंगा किया, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु इस महान विश्वास को पाएगा तो जरूर प्रभु ये कहेंगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हमारे मन की जो भी अभिलाषाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, प्रार्थना है, वो सब पूरी हो जाएगी यदि प्रभु हम में उस महान विश्वास को पाएंगे जो विश्वास इस स्त्री में प्रभु यीशु ने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, विश्वास कोई छोटी चीज़ नहीं, इसका मूल हमें समझना चाहिए, इसकी कीमत हमें समझनी चाहिए, इसका महत्व हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। विश्वास करना एक मामूली बात नहीं, विश्वास एक अद्भुत चीज है, प्रभु ने हमारे हृदयों में दिलों में डाल दी है। उसको बढ़ाना, उसको अंकुरित होने देना, फल उत्पन्न होने देना, ये हमारा काम है। तो फिर हम देखते हैं आगे, उसके बाद दूसरी घटना हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में। 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री, उन्होंने क्या किया आप सब जानते हैं, अनेक वैद्यों के पास जाकर इलाज करवाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मिला, हुआ उसकी हालत और बिगड़ती गई। बिगड़ी हुई हालत में आकर सब भरोसा समाप्त हो गई। उस समय यीशु के बारे में वह सुनती हैं और यीशु को गुजरते देखती हैं, और उन्होंने क्या किया, उस स्त्री चुपचाप उस भीड़ में घुसकर जाकर यीशु का वस्त्र का पल्ला छू लिया। यही विश्वास के साथ, अगर मैं उसका वस्त्र का पल्ला भी छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। उनके मन में विश्वास किया, अगर मैं ये कार्य करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और हमें भी इसी प्रकार पहले विश्वास करना चाहिए, पहले हमें उस चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहिए, मन में देखना चाहिए कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना
सुनेंगे, प्रभु का स्पर्श मुझे मिलेगा, मेरे जीवन में ये समस्या मेरे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, ये हमें पहले अपने मन में देखना चाहिए। और इस स्त्री ने ऐसा ही किया। वहाँ पर भीड़ थी, भारी भीड़, यीशु के चारों तरफ भारी भीड़ थी। उस भीड़ में घुसना, उस भीड़ में बीच में से निकलकर एक स्त्री को प्रभु यीशु के पास पहुंचना कितना कठिन होगा। लेकिन उन्होंने मन में निश्चय किया था कि मुझे ये कार्य करना है, और उन्होंने उसी प्रकार उस भीड़ में घुसकर यीशु का वस्त्र का पल्ला छू लिया। उसने प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु मैं इतने दूर से आई हूं, मैं इतने सालों से बीमार हूं, परेशानी में हूं, मुझे चंगा कीजिए, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, या ये शब्द कहिए, कुछ नहीं बोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने विश्वास के साथ उसके वस्त्र का पल्ला छुआ, उस समय प्रभु यीशु से शक्ति निकली। वचन में लिखा गया है प्रभु यीशु से शक्ति निकली और वह ठीक हो गई। तो चमत्कार विश्वास करता है, विश्वास ही चमत्कार करता है, विश्वास ही नामुमकिन बातों को मुमकिन कर देता है, विश्वास ही असंभव को संभव बना देता है। तो उस री यीशु ने चंगा की, यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने महसूस किया मुझसे शक्ति निकली है, शक्ति निकली है। एक स्पर्श, विश्वास के साथ एक स्पर्श, यीशु से शक्ति निकलती है, और वो सारी घटना प्रभु यीशु के सामने बोलती है। और प्रभु यीशु उस स्त्री को भी सराहते हुए हम देखते हैं, उनके विश्वास, उनके महान विश्वास को देखते हुए प्रभु चकित हो जाते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 50, पापिनी स्त्री जिन्होंने इत्र लेकर यीशु के चरणों को धोया, अपने आंसू से धोया और केशों से अपने केश से अपने उनके पैरों को पोछने के बाद वहाँ पर इत्र लगाया। और इनका विश्वास, पापिनी स्त्री थी, प्रभु यीशु भोजन पर बुलाए गए थे, बहुत सारे समाज के प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन ये स्त्री, पापिनी स्त्री, उन्होंने ये कार्य जब किया तो प्रभु को अच्छा लगा, प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने कहा कि आज तेरा उद्धार हो गया है, तेरा उद्धार हुआ है। देखिए कई बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु को इनका विश्वास देकर आश्चर्य लगता है। जबकि हम देखते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर यीशु को उनका अविश्वास देकर आश्चर्य लगता है। लोगों के सामने उन्हें चमत्कार किया, अनेक लोगों को चंगा किया, अनेकों को छुटकारा प्रदान किया, इनके बावजूद भी जब लोग विश्वास नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु को दुख लगता है, एक प्रकार का अद्भुत कार्य उसे लगता है। कारण क्या है? लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये सब देखने के बावजूद भी आज भी हमारे बीच में इसी प्रकार के लोग हैं, लेकिन हमारा विषय ये नहीं, हमारा विश्वास ये है कि महान विश्वास, हमारा जीवन को विश्वास को देकर प्रभु को ऐसा लगना चाहिए कि ये विश्वास महान है। हमारा विश्वास की सराहना प्रभु यीशु को करना चाहिए, तभी हम प्रभु की दृष्टि में हम सच्चे भक्त बनेंगे, सच्चे शिष्य बनेंगे, सच्चे प्रेषित प्रेरित बनेंगे। आगे हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में जयरुस की बेटी के बारे में, अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं जयरुस की बेटी। वो भी आकर प्रभु के सामने जयरुस की बेटी के लिए जयरुस प्रार्थना करती हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि विश्वास कीजिए कि वो चंगी हो जाएगी, विश्वास कीजिए कि वो चंगी हो जाएगी। तो जो भी लोग प्रभु के पास आते हैं, सबसे पहले प्रभु उन्हें कहते हैं कि आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो इस जयरुस की बेटी के लिए उन्होंने ये दंडवत करते हुए प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ चलिए। और प्रभु यीशु उनके साथ चलते हैं,
एक अधिकारी था और यीशु उनके साथ चलता है और रास्ते में हम देखते हैं कि 12 बरस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को प्रभु यीशु चंगा करता है। और रास्ते में लोगों ने ये खबर पहुंचा दिया जेरूस को कि आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है, अभी प्रभु को कष्ट नहीं कीजिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं बस डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, वो चंगी हो जाएगी। और हम देखते हैं आगे जाकर पेत्रुस, योहन और याकूब को लेकर प्रभु उस लड़की के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सो रही हैं, वो मरी नहीं, वो सो रही हैं। और जब लोग उनकी हंसी उठाने लगे और प्रभु यीशु उन्हें हाथ पकड़कर कहते हैं लड़की उठो, उस पर उसमें उस समय प्राण उसी क्षण वो खड़ी होगी, प्राण आ गया और ईशा प्रभु यीशु उन्हें अपने माता पिता को सौंप देते हैं। तो इस पर महान विश्वास को हम देखते हैं, महान विश्वास यीशु के शब्दों पर इस व्यक्ति ने विश्वास किया। लड़की घर में मरी हुई पड़ी है, उस समय लोगों ने खबर पहुंचाई कि आपकी बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु ने कहा डरो मत, मत विश्वास कीजिए, और उसने विश्वास किया और विश्वास के कारण उसकी बेटी चंगी हो जीवित हो गई। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन भी अगर इस प्रकार का मर्द विश्वास है, हम मर्द पड़े हुए हैं, तो हमें अपने विश्वास को जागृत करना पड़ेगा, अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। अगर सोया हुआ एक विश्वास मुझे प्राप्त है तो उस विश्वास को मुझे जगाना चाहिए और फिर प्रभु के मुंह से शब्द निकलना चाहिए आपका विश्वास महान है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं, 10 कोढ़ी यीशु के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। 10 कोढ़ी को यीशु ने कहा आप जाकर याजक को दिखला दीजिए। यीशु ने उनका स्पर्श नहीं किया, उन्हें चंगा नहीं किया, लेकिन वो जाते जाते रास्ते में वे निरोगी हो गए। रास्ते में ही 10 में से 10 ठीक हो गई, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो सुमारी था यीशु के पास लौट आता है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस समय यीशु पूछते हैं कि बाकी नौ कहाँ हैं। हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, उनका विश्वास देकर यीशु ने उनसे क्या कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी लोगों ने चंगाई पाई, लेकिन उद्धार इसी व्यक्ति को मिला जो लौट कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु के सामने अपना आभार व्यक्त किया। अक्सर हम चंगाई पाते हैं, लेकिन हमारा उद्धार इसलिए नहीं हो जाता है कि हम प्रभु को उचित रीति से धन्यवाद नहीं देते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं। हमारे जीवन में जो चमत्कार हुए हैं उसके लिए हम प्रभु को उसका श्रेय हम प्रभु को नहीं देते हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। अनुग्रह आशीष हमें मिलती है, लेकिन उद्धार पाना ये जीवन में महत्वपूर्ण है। प्यारे भाई और बहनों, यरीको का अंधा, उनसे भी प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यरीको का अंधा चिल्लाता रहा, ये दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए, बार बार चिल्लाता रहा। चिल्लाने के बाद लोगों ने उसे डांटा, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाते रहा। और बाद में यीशु ने उसे बुलवाया और उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं, और उन्हें प्रभु उन्हें दृष्टि लौटा दी। उस समय प्रभु कहता है कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। देखिए प्यारे भाई बहनों, सिर्फ आशीष पाना, हीलिंग्स पाना, चंगाई पाना, छुटकारा पाना ये काफ़ी नहीं है, जीवन में उद्धार पाना है। उद्धार पाने के लिए महान विश्वास की आवश्यकता है। उस महान विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा विश्वास महान है कि कमजोर है ये परमेश्वर प्रभु ही जानता है, प्रभु ही जानते हैं। इसलिए प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाए, लीन बनाए और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मेरा विश्वास को महान बनाइए, मेरा विश्वास को महान बनाइए। आमीन। हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की
सदा ही आराधना स्तुति और महिमा हो। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा ही स्तुति आराधना और महिमा हो। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा ही स्तुति आराधना और महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हम प्रभु के सामने हैं। प्रभु यीशु इस पवित्र संस्कार में रोटी के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे जीवन को देखने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हाथ बढ़ाकर हम सबको छूने के लिए, हमारे जीवन की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए यीशु इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा विश्वास है कि इस परम प्रसाद में यीशु का जीवंत सानिध्य है, उनकी उपस्थिति है, पूर्ण रूप से यीशु हमारे बीच में है। इस वक्त हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमने देखा कि प्रभु यीशु ने अनेक लोगों को विश्वास देकर उस विश्वास को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा आपका विश्वास महान है, उन्होंने कहा आपका विश्वास ने आपका उद्धार किया है। देखिए, हमारे जीवन को भी देखकर प्रभु के मुंह से शब्द निकले कि आपका विश्वास महान है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें कनानी स्त्री का विश्वास चाहिए, रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री का जो विश्वास, वो विश्वास हमें चाहिए। पावनी स्त्री का जो विश्वास था, वो विश्वास हमें चाहिए। जयरूस ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, उनका जैसा एक विश्वास, 10 कोड़ी में से 1 कोड़ी जो वापस लौट कर प्रभु को धन्यवाद दिया, उसी का विश्वास। यरीको का अंधा, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, ये विश्वास। लोगों के डांटने के बावजूद उस अंधा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा प्रभु मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार का महान विश्वास हमें भी मिले, इसके लिए इस वक्त में प्रार्थना करनी है। हाँ प्यारे भाई बहनों, विश्वास को बढ़ाना चाहिए, विश्वास को मजबूत करना चाहिए। महान विश्वास, ईश्वर की दृष्टि में महान विश्वास, ये काफ़ी नहीं कि हम प्रभु प्रभु कहकर प्रभु को पुकारते हैं, ये काफ़ी नहीं कि हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, ये काफ़ी नहीं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हमें अपना विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में चमत्कार देख पाएंगे। यौहन के सुसमाचार अध्याय 11 में प्रभु यीशु ने कहा मर्था से, यदि तू विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त प्रभु की महिमा देखने का समय है। प्रभु यीशु परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनकी महिमा देखने का समय है। अपने जीवन में प्रभु का सामर्थ्य को पाने का समय है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। जो कार्य 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने गलीलिया में किए हैं, वही कार्य आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। इस पवित्र संस्कार के सामने अपना जीवन को समर्पित कीजिए, अपने जीवन का बोझ उतार कर रखिए। आपकी प्रार्थनाएं, हृदय से उमड़ने वाली सारी प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष रखिए और प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद इस वक्त स्वीकार करें, हो सके तो गुड नाइट कहकर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए प्रभु की आराधना कीजिए और प्रभु की आशीष अपने जीवन में पाइए। आमीन। परम पवित्र संस्कार की सदा ही आराधना और स्तुति और महिमा हो। आमीन।